हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको बताने वाले हैं रोज वाटर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इसमें हम आपको सिर्फ यही नहीं बताएंगे कि रोज़ वाटर कैसे बनता है, कैसे आपको रोज़ वाटर का बिजनेस सेटअप करना है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं रोज़ से रिलेटेड, रोज़ क्रीम हो गई, रोज़ ऑयल हो गया, तो ये सबका एक ही तरीका है। बस अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो अलग यूज़ होते हैं, लेकिन जो रोज़ वाटर है ना वो एक बेसिक चीज़ है जो इन सारी चीज़ों में यूज़ आता है। तो इस बिज़नेस को कैसे बनाना है, कैसे, कितने इसके यूजेस है, कितने तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, कितने का इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद रॉ मटेरियल क्या होंगे, कितना प्रॉफिट आपको होगा, तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और साथ ही मैं आपको ये बता देती हूँ कि रोज़ वाटर का एक्सपोर्ट भी कितना ज़्यादा होता है, और साथ ही में इसकी जो डिमांड है ना वो हर साल इंक्रीज हो रही है। तो ये जो इंक्रीमेंट, जो डिमांड इंक्रीज़ होती है ना, इसका फ़ायदा आप उठा सकते हो इस बिज़नेस को ओपन करके। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे आपको रिसर्च करनी, कैसे आपको देखना है कि डिमांड, सप्लाई, प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये कैसे आपको डिसाइड करना है। तो उसके लिए आपको पहले रिसर्च की ज़रूरत है, कौन से प्रोडक्ट की, कौन से टाइप की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, वो आपको रिसर्च करना है। उसके बाद कैसी क्वालिटी देनी है लोगों को, अगर आप अच्छी क्वालिटी दोगे, ये सबको पता है अच्छी क्वालिटी देनी है, लेकिन लोग दे नहीं पाते हैं वो क्वालिटी। और रोज़ एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो फार्मास्यूटिकल कंपनी भी यूज़ करती है, और स्किन प्रोडक्ट्स वाले भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, फेस के लिए लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं रोज़ को। तो उसके लिए आपको पहले रिसर्च करना है कि कौन कौन से जगह, कौन से इंडस्ट्री, कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा रोज़ वाटर का नीड होता है, उसी के बाद आप अपने प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट करें। अब आपको बताते हैं रोज़ वाटर कितने प्रोडक्ट्स होते हैं। रोज़ परफ्यूम, रोज़ ऑयल, रोज़ माउथ वॉश, रोज़ वाटर, रोज़ ऑयल, उसके बाद रोज़ क्रीम, रोज़ पेटल्स, रोज़ जैम, इतने सारे प्रोडक्ट्स और मनी मोर प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे एक्सेट्रा प्रोडक्ट्स है। और हमने यहाँ पर जो आपको जो फेमस फेमस प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है, वो हमने आपको यहाँ पर बताए हैं। अब यहाँ पर बताते हैं यूजेस, कितने यूजेस है, कहाँ कहाँ पर, कौन से सेक्टर में और कौन से इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। फ्लेवर्ड फूड, जब भी खाना वाना बनाते हैं, जैसे मिठाइयाँ ले लो आप, मिठाइयों में कितने सारे टाइप की जो मिठाई होती है जिसके अलग अलग टेस्ट होते हैं, तो उसमें रोज़ पड़ता ही है। उसके बाद रिलीजियस रिचुअल्स, घर में कोई पूजा हो गई या बड़ी बड़ी पूजाएँ होती, वहाँ पे रोज़ का यूज़ किया जाता है। बहुत जगह डेकोरेशन के लिए रोज़ यूज़ किया जाता है, फेस टोनर, फेस के लिए भी, साथ ही में परफ्यूम्स में रोज़ बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद कॉस्मेटिक एंड मेडिकल प्रिपरेशन, इन्फ्लेटिंग एंड ब्लेमिशिंग पिंपल, अगर मतलब आजकल की लड़कियाँ और लड़के, मतलब ये जो एज है उस समय बहुत ज़्यादा पिम्पल्स का होता है और बहुत ज़्यादा लोगों को पिंपल्स होते हैं, तो उस वजह से रोज़ भी एक उपाय है जिसको यूज़ करके लोग अपने पिंपल्स को रिड्यूस करते हैं। एक्ने स्कार्स, जो उनके जो पिंपल होने के बाद जो धब्बे हो जाते हैं, उसको मिटाने के लिए लोग रोज़ का यूज़ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रोज़ वाटर के यूजेस हैं मार्केट में, और लोग आप अगर वो ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आप क्या, आपकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी, आपके प्रोडक्ट की डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी, और आप और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। अब यहाँ पर रॉ मटेरियल की बात करें तो रोज़ पेटल्स, वाटर, RO वाटर, LPG, पैकेजिंग बॉटल, कार्टून बॉक्सेस, यहाँ पर हमने सिर्फ जो रॉ मटेरियल्स है वो रोज़ वाटर के रिलेटेड बनाया है। अभी आपको रोज़ वाटर के अलावा अगर आपको रोज़ क्रीम बनानी है, रोज़ ऑयल बनाना है, तो उसके लिए थोड़े से अलग रॉ मटेरियल आपको लगेंगे। मशीनरी भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, प्रेशर कुकर, वेइंग मशीन, बॉयलर,
तो ये 2 से 3 मशीन ही है, थोड़े बहुत छोटे छोटे टूल्स होंगे जो आपको चाहिए होंगे। तो ये 2 से 3 मशीन्स ही हैं जो आपको इस बिजनेस के अंदर चाहिए होगा। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 1 से 4 लाख का, सिर्फ इतना सा ही इन्वेस्ट बिजनेस के अंदर। तो इसको आप बहुत ही कम जगह पे स्टार्ट कर सकते, अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके टारगेटेड कस्टमर्स कौन है। होलसेलर्स, रिटेलर, रेस्टोरेंट्स, जूस बार, स्किन केयर सेक्टर, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, परफ्यूम इंडस्ट्री, सुपरमार्केट्स एंड रिटेल स्टोर्स, रिलीजियस रिचुअल्स, फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो इतने सारे आपके यहाँ पे टारगेटेड कस्टमर्स हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे होती है जिनके टारगेटेड कस्टमर्स बहुत कम होते, लिमिटेड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके कस्टमर्स कितने ज़्यादा है, और डिमांड जिस तरह से आ रही उस हिसाब से कस्टमर्स और भी ज़्यादा जुड़ते रहेंगे इस बिजनेस के अंदर। अब बात करते हैं, और वो जो कस्टमर्स हैं, आप अगर उनको सेल करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो, ऑफलाइन भी सेल कर सकते हो। ऑफलाइन तो आप करोगे ही, लेकिन ऑनलाइन भी एक बहुत ही बढ़िया जरिया है सेल करने के लिए, जहाँ पे आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी साइट्स होती है, नायका पे स्किन प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, तो आप नायका को भी ले सकते हो। ऐसे बहुत सारी साइट्स जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। VLCC हो गया, पतंजलि हो गया, और ऐसे एक्सेट्रा आपके 4 से 5 जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने पूरे मार्केट को घेरा हुआ है, तो वैसे उनके सामने आपको टिकने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करनी पड़ेगी, जहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सारी मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपनी एड्स देनी पड़ेगी, जैसे कोई कॉस्मेटिक साइट है जैसे कि नायका है, वहाँ पे आपको अपनी एड्स देनी पड़ेगी। उसके बाद सोशल मीडिया है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपना जो प्रोडक्ट है उसका प्रचार करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करनी, जिससे लोगों के सामने आपका प्रोडक्ट आएगा। अब आपको बताते एरिया, तो यहाँ पे 600 से 1200 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होगा इस बिज़नेस के लिए। और अगर आप एक, मतलब ये एक स्मॉल स्केल बिजनेस हो गया, अगर आप इसको थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको एरिया भी थोड़ा ज़्यादा चाहिएगा। मैन पावर यहाँ से 3 से 5 लोग इस बिज़नेस के अंदर आपको चाहिए होंगे, जिसमें 1 से 2 स्किल लेबर आपको चाहिए और 2 से 3 आपको अनस्किल लेबर चाहिए इस बिज़नेस के अंदर। अब लाइसेंस बताते हैं, सबसे पहले आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद MSME और SSI रजिस्ट्रेशन, उसके बाद GST, उसके बाद FSSAI, और उसके बाद आपका बिजनेस और भी ज़्यादा बड़ा होने लगा तो आप IEC कोड भी ले सकते हो, अगर आपको एक्सपोर्ट करना भी अगर आप स्टार्ट कर दो तो। उसके बाद ट्रेडमार्क भी अगर आपको ज़रूरत है तो ट्रेडमार्क भी आपको ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। अब आपको प्रॉफिटेबिलिटी बताते, तो इस बिज़नेस के अंदर आपको 80 से 100% का रिटर्न मिल सकता है। स्टार्टिंग में तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे 2, 3, 4, 5 साल बाद आप जब सेट हो जाओगे, तो उसके बाद इस बिज़नेस में आपको 80 से 100% का रिटर्न मिल सकता है। और अभी स्टार्टिंग में आप 30 से 50 हज़ार तक के रुपए आप कमा सकते हो महीने के अंदर। बाकी टोटली आपके प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल पर डिपेंड है कि कैसे, मतलब कैसे आपको रिटर्न आएगा, आपकी क्वालिटी, आपकी साइज, आपके टाइप, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होता, सब उसी के ऊपर डिपेंड है। अप्रॉक्सीमेट आप इतना अर्न कर सकते हो, अगर आप में विलिंगनेस और कैपेबिलिटी है तो आप अर्न कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, रोज वाटर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और ऐसे और भी अच्छे अच्छे बिजनेस हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।